आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिवनी से बरघाट अगर आप जाते हैं तो ये टोल नाका यहाँ पड़ता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। टोल नाका किस तरह का है ये हम आपको बताने जा रहे हैं। देख सकते हैं आप, टोल नाका यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा और ये सड़क किस कदर जर्जर हो चुकी है। दरअसल इस टोल नाके को आरंभ कराया गया था और इस टोल नाके को आरंभ ना होने देने के लिए बरघाट के तत्कालीन विधायक अर्जुन सिंह काकोड़िया ने जबरदस्त तरीके से अनशन किया था और उसके बाद ये टोल नाका आरंभ नहीं हो पाया था। सड़क देखिए आप किस कदर जर्जर यहाँ पर दिखाई दे रही है। इस सड़क से चलना बहुत मुश्किल काम है। लोगों का कहना है, वाहन चालकों का कहना है कि सर्कस के बाजीगर ही इस तरह की सड़कों पर चल सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। सड़क ये कहा जाए नहीं है तो ज़्यादा, वो आपको दिखी होगी एक वाहन, देखिए तरफ यात्री वाहन जा रहा था, जो यात्री वाहन हिचकोले खाता हुआ जा रहा था। इतने गहरे गहरे गड्ढे और बारिश के दिनों में इतने गहरे गड्ढों में वाहन जब निकलते होंगे तो समझा जा सकता है, अंदाज लगाया जा सकता है कि वाहन किस कदर टूटते फूटते होंगे, किस कदर क्षतिग्रस्त होते होंगे। सिवनी से महज 7-8 किलोमीटर दूर सेलुआ के समीप ये टोल नाका बना हुआ है और यहाँ पर जितने भी वाहन निकलते हैं, कमर्शियल वाहन, व्यावसायिक वाहनों से यहाँ वसूली की जाती है। व्यावसायिक वाहनों के अलावा निजी वाहनों से वसूली नहीं हो रही टोल की, पर निजी वाहन भी इस सड़क पर चलते हैं। सड़क किस तरह जर्जर हो चुकी है, किस कदर जर्जर हो चुकी है ये आपके सामने हम दिखा रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, सड़क पूरी तरह जर्जर है। बालाघाट संसदीय क्षेत्र का हिस्सा, बालाघाट की सांसद भारती पारधी इस पूरे मामले में पूरी तरह मौन ही नज़र आ रही हैं। इसके अलावा सिवनी विधानसभा का हिस्सा है और बरघाट विधानसभा का प्रवेश द्वार, और सिवनी विधायक दिनेश राय, बरघाट के विधायक कमल मस्कोले, दोनों भारतीय जनता पार्टी के विधायक और दोनों पूरी तरह खामोश हैं। इस सड़क की दुरुस्ती के लिए जिला कलेक्टर सिवनी, जिलाधिकारी सिवनी, संस्कृति जैन के द्वारा लगातार 7-8 बार अफसरों को ताकीद किया जा चुका है। ऐसा प्रतीत होता है कि जिस तरह से सरकारी कार्यप्रणाली चल रही है, कलेक्टर्स जिस तरह से सिवनी में पिछले 2-3 दशकों से कलेक्टर्स की कार्यप्रणाली दिख रही है कि बैठक बैठक और बैठक, बैठकों के अलावा, निर्देशों के अलावा उनके द्वारा शायद ही कोई और दीगर काम किए जा रहे हों। लगातार ही जनसंपर्क की विज्ञप्ति आप देखेंगे तो आपको यही पता लगेगा कि जिला कलेक्टर ने इस मामले में बहुत कड़े निर्देश दिए। अगले सप्ताह फिर बैठक होती है, अगले दिन की बैठक में फिर निर्देश दिए जाते हैं। उन निर्देशों का पालन हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, इस बारे में देखने सुनने की फुर्सत किसी को भी नहीं है। निर्देश जरूर बहुत कड़े दे दिए जाते हैं, अधिकारी भी इन कड़े निर्देशों का माखौल उड़ाते हुए दिखते हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, यहाँ दिख रहा है सिवनी से बरघाट के बीच का ये रास्ता और यहाँ पर टोल वसूली व्यावसायिक वाहनों से हो रही है, निजी वाहनों से टोल वसूली नहीं हो रही, पर निजी वाहन यहाँ चल रहे हैं। पर सड़क किस कदर जर्जर है ये हम आपको दिखा रहे हैं। बीच का जो हिस्सा है उस हिस्से को आपने देखा, दूसरी तरफ बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया गया था। आजू बाजू के दाएं और बाएं ओर से वाहन जा आ रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में खबरें पसंद आ रही हो तो आप इन्हें लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे, नई जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।